रांची के पौस इलाके में 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को अज्ञात बदमाशों ने 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे शहर के पटेल चौक के पास ये घटना हुई। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि गोली लगने से घायल युवती को रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि युवती बिहार के नवादा जिले की रहने वाली थी, जो रांची में एक छात्रावास में रह रही थी और एक निजी विश्वविद्यालय से प्रबंधन का कोर्स कर रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया कि राजधानी के सबसे पॉश इलाके में अगर कानून की व्यवस्था ऐसी स्थिति है, तो दूर दराज के इलाकों में हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी। मगर मुख्यमंत्री को इस गंभीर समस्या की कोई परवाह नहीं है। सोरेन ने रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर RCHRC का उद्घाटन किया। 82 बिस्तरों वाला यह अस्पताल टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन TCCF द्वारा संचालित किया जाएगा। TCCF तिरुपति में एक अस्पताल और मुंबई में एक ऑनको पैथोलॉजी लैब भी संचालित करता है। इस अवसर पर CM सोरेन ने कहा कि झारखंड में कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधा ना के बराबर थी। उनकी सरकार बनने के बाद से इस संबंध में कई प्रयास किए गए हैं। अब मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली देखभाल के साथ साथ विश्व स्तरीय उपचार मिलेगा। टाटा ट्रस्ट की ट्रस्टी और टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन नोएल टाटा ने कहा कि टाटा ट्रस्ट 2017 से 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कैंसर सुविधाओं का विकास कर रहा है।